1 2 3 स्टार्ट। आजा बैठिए बनेरे उते मिल माहिया, मिल माहिया, मैनू मिल माहिया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है वेडनेसडे 20th ऑफ अक्टूबर एंड आज मुझे बहुत सारे काम हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट 2-3 डेज मेरे बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। आई हैव इवेंट्स टू अटेंड, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। सो चले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। ये देखिए धीर यहाँ ऑनलाइन क्लास ले रहा है। एंड आकृति जो है वो दूसरे रूम में क्लास ले रही है। लेट मी शो यू। ये दोनों अलग अलग इसलिए बैठते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो एक दूसरे को। तरीके से बैठ, हाँ तभी तो पता चलेगा कर क्या रही है तू। और ये बुक्स यहाँ किसके किसकी रखी है? ये बुक्स यहाँ किसकी रखी है? ये धीर की किताबें यहाँ क्यों रखी है? नाश्ता हो चुका है हमारा और नाश्ता हमारा अच्छा खासा हैवी हुआ है, दैट इज मक्खन पराठे एंड अचार चाय एक्सेट्रा। सो लंच हम बहुत लाइट रखने वाले हैं। मुझे आज मेरा वेलोना का अपॉइंटमेंट भी है एंड एंड यस फ्रेंड्स, दिवाली की सफाई के दौरान जो मेरे ना बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे वो अब कम हो गए हैं। यू कैन ओनली सी द मार्क्स और वो कम हुए बिकॉज आई केप्ट अप्लाइंग अ लॉट ऑफ चंदन। और वो चंदन मतलब स्टोर बॉट नहीं है, मेरे पास चंदन की लकड़ी है काफ़ी साल पुरानी, मेरे पेरेंट्स के यहाँ थी जो अब मेरे पास है। सो मैं उसको घिस के ना रोज़ रात को लगाती थी। सो यू कैन सी पिंपल्स चले गए हैं, एक दो हैं अभी भी दिवाली की सफाई के दौरान जो आए थे, बट काफ़ी हद तक मेरा फेस अब प्लेन हो गया है। एंड आज मेरा वेलोना का अपॉइंटमेंट है फॉर लेज़र स्किन ट्रीटमेंट, उसके लिए भी मुझे जाना है। सो फटाफट से सारे काम निपटाते हैं, जो शूट मुझे करना है वो भी निपटा दूंगी सो दैट आई विल बी फ्री इन द इवनिंग। और कल वाला व्लॉग भी मुझे एडिट करके डालना है, बहुत सारे काम हैं। चलो लगते हैं काम पे। पहले मैं लगती हूँ सफाई पे बिकॉज बोथ चिल्ड्रन आर बिजी, तो डस्टिंग एंड ऑल मुझे करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, परी पंखा कम कर। यस मदर, एक तो मेरी हालत पे मत जाना, मुझे देख के ऐसे लग रहा है जैसे मैं सो के उठ के आई हूँ बट मैं सोई नहीं हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, मैंने अपनी वीडियो एडिट की है, कल वाला ब्लॉग एडिट किया, थंबनेल बनाया और उसे पोस्ट कर दिया है। और ये सारे काम निपटा के मैं आई हूँ लिविंग रूम में एंड टू दिस मेस। ये लड़का देखो, ये लड़का जहाँ भी रहता है वहाँ पे मेस क्रिएट करता है। ये लड़का हाय अल्लाह ओके व्हाटएवर है ना धीरू? दैट्स काइंड ऑफ ट्रू। हाँ मुझे पता है प्रमिला ये वीडियो देखेगी और मुझे बहुत डांटेगी बिकॉज एक तो रीज़न ये है कि धीर उसका फेवरेट है और दूसरा रीज़न ये वो मुझे हमेशा डांटती है कि बच्चों पे मेस के पीछे तो कितना चिल्लाती है, कितना उनको डांटती है कि कितना मेस कर रखा है। दैट्स बिकॉज आई कांट स्टैंड अ मेसी हाउस। और मतलब एक होता है जब इसका स्कूल चल रहा है इसने मेस क्रिएट किया है, आई अंडरस्टैंड क्योंकि स्कूल चल रहा है, इसकी किताबें फैली हुई हैं, स्कूल ख़त्म हुए 2 घंटे हो चुके हैं और देख लीजिए अभी भी इस लड़के की किताबें ऐसे फैली पड़ी हैं। और ये अमेज़ॉन का कवर यहाँ क्यों है मैं नहीं जानती। धीर स्कूल ख़त्म हो चुका है बेटा, अपना लैपटॉप शट डाउन करो, अपनी किताबें उठाओ एंड पैक योर बैग्स एंड कीप इट इन द शेल्फ प्लीज़। हाँ उसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरे पास आया है ये एक इनवाइट, बहुत ज़्यादा फैंसी लुकिंग इनवाइट नहीं है जैसा कि मुझे ऑफ लेट मिलता है। ऑफ लेट आई कीप गेटिंग वेरी फैंसी इनवाइट्स एंड पीआर पैकेजेस, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। बट अंदर का स्टफ अच्छा है, मैं देख चुकी हूँ ऑलरेडी बट मैं आपको दिखाऊंगी। 1 2 3 स्टार्ट। आजा बैठिए बनेरे उते मिल माहिया, मिल माहिया, मैनू मिल माहिया। वी आर ऑब्सेस्ड विद द सॉन्ग, कल से हम पागलों की तरह ये गाना गा भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जब से मैंने मेरी रील डाली है दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमने ये गाना सुना था, तब से वी आर ऑब्सेस्ड विद इट। चलो अब मैं बंद करती हूँ ब्लॉगिंग। अब मैं ये जो वाइल्ड मिलान का आया है इनवाइट, इसको मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालती हूँ एंड देन आई विल सी यू गाइस। यस, सो फॉर ऑल दोज हु आर क्यूरियस टू नो व्हाट वाज इन द हैम्पर, हियर आई हैव सम वाउचर्स एंड सम कूपन्स, सम डिलेक्टेबल डेलिकेसीज एंड अ पाउच फ्रॉम माय फेवरेट हाउस ऑफ अकूर।
some mitti ke diyas and crackers without which Diwali is incomplete and a scrunchy. Here I have a handmade aloe vera gel which is of aloe vera, tea tree and vitamin E. And it smells amazing. And the best part about this is no paraben, no silicone, and it is vegan. Super excited to use this, and I'm loving the smell already. So see you all guys on the 23rd and 24th at Amethyst Folly Hill for the Wild Melon pop-up show. So here I am at Wellona Skin Clinic for my laser toning treatment. और आज इनकी lift खराब थी, तब realize हुआ कि body को बिल्कुल habit नहीं रही है staircase चढ़ने की. Second floor, my house is on the first floor, तो वो चल जाता है. ये second floor पे था तो काफ़ी मुझे breathlessness हुई, which is very sad. So that is a clear indication that the body is giving कि I better start my fitness regime back. Here I am in the procedure room, and as a protocol they always click pictures before they start a procedure. So आज मैं आई थी अपना laser toning treatment करवाने third setting, लेकिन आने के बाद डॉक्टर ने बताया कि since I have few rashes due to dust allergy and ek do acne bhi hain, they cannot do laser toning and they have to do a peel, jo pehle hota tha, jo laser toning se pehle jo hota tha. So she said we have gone back because you've got rashes, so hame wo karna padega and ek bar wo theek ho jaye fir hum laser toning karenge, maybe in the second session. So now they are just cleansing my face, uske baad doctor aayegi and doctor entire face pe peel lagayenge and then I'll have to keep that on at least for 15 minutes and उसके बाद दोबारा cleanse कर दिया जाएगा and I'll be done for the day. Okay, see and write. Come here. What's that? I'm back. Now it's not tough. Fatafat karo. Okay. These are the words: embarrassing, ashamed, manner. Ashamed. Why? You wrote ashamed twice. Ashamed. I'm sorry. Twice. Experience, jealous, discovered, irritating, critical, hooked, annoying, hypothermia, squeeze, equipment, complain. Okay, instead of ashamed twice, complain and complained. Okay, that's gonna be used. Okay, yeah. Chalo, these 15 words quickly do it. हाय फ्रेंड्स, सो बेलोना में क्या हुआ ये तो आपने देख ही लिया. एंड आने के बाद मैंने थोड़ा अपना इंस्टा का काम किया, उसके बाद हमने डिनर किया एंड नाउ आई एम सिटिंग विद धीर, इसको डिक्टेशन करा रही हूँ. सो इसके स्पेलिंग्स बहुत वीक हैं, सो एवरी डे ही रीड्स अ बुक एंड फ्रॉम दैट आई गिव हिम डिक्टेशन. सो वो चल रहा है अभी एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट गो टू बेड. So fine friends, I'll end this vlog here. I hope you liked and enjoyed watching it, and if so, please consider to subscribe my channel and don't forget to follow me on Instagram for all the latest updates. Mattandaddle is my account. So yeah, that's it. See you tomorrow on a new day with a new vlog. Until then, take care. Bye bye.